आपकी पहचान इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जहां भी एक शिक्षक के तौर पर, और मैं निजी तौर पर, मेरी ये जिज्ञासा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल, चूंकि मैं मुखर्जी नगर में था कुछ दिनों पहले तक, 7-8 साल मैंने वहां बिताए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, वहां मैं देखता था कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते थे कि वही लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं, बैंक भी दे रहे हैं, LIC AA भी दे रहे हैं, टीचर का एग्जाम भी दे रहे हैं। मतलब यदि मैं उन लोगों को मजाक में कहता भी था कि यदि UN जनरल सेक्रेटरी के लिए भी कोई एग्जाम होता तो आप लोग वो भी नहीं छोड़ते। तो मेरा कहना यह है कि पहले के जमाने में जिस प्रकार से, या फिर जापान वगैरह में जैसा होता है कि टीचर बाई च्वाइस, आजकल टीचर बाई च्वाइस लोग होते क्यों नहीं है? 1986 की एजुकेशन पॉलिसी देखें या आज की एजुकेशन पॉलिसी देखें, टीचर के लिए तमाम तरह के BEd होने चाहिए, CTET होना चाहिए, प्रोफेसर के लिए नेट होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें इम्पोज की जाने लगी है। उसके बाद उसी के साथ साथ देखा जाए तो शिक्षा की क्वालिटी गिरती चली गई। तो टीचर रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ी जिम्मेदार है? रोज मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देखता हूँ, कहीं ना कहीं से दिख ही जाता है कि कहीं पूछा जा रहा है टीचर से, साइंस के टीचर से पूछा जा रहा है कि UT+ ½ बताओ, उसे नहीं पता है। किसी से पूछा जा रहा है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी बताते हैं। ये हालत है टीचर्स की। तो मेरा सवाल ये कि टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या आपको लगता है कि सही है मौजूदा दौर में? ठीक, हाँ, मैं आपके सवाल पे आती हूँ। सिर्फ एक बात जो सुनीलम जी ने अभी कही, मैं उसको थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ। जो ट्यूशन और कोचिंग वाली जो बात इन्होंने कही, और आपने भी जो मुखर्जी नगर का बताया कि कैसे सारे बच्चे जो है, ये आफ्टर ऑल ये सारे कहाँ जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं ना। तो एक हम अभी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक तरह से आप मजाक करके कह सकते हैं कि अगर कहीं पढ़ाई हो रही है तो सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और ट्यूशन में हो रही है देश में, बाकी जगह तो खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं होता वहां पे। अच्छा, अब आपने रवीश कुमार के प्रोग्राम भी सारे देखे होंगे, जिन्होंने उन्होंने यूपी बिहार के पता नहीं कितने कॉलेज हमें दिखाए अंदर जा जाके कि क्या हाल है उनका, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई टीचर नहीं है परमानेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, अब मेजॉरिटी एडहॉक टीचर है वहां जी। और आज जो है, 2 दिन पहले एक नोटिस आ गया, कोई 35 कॉलेज या पता नहीं कितने, जहाँ के एक्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, कि वहां पे आप गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकते। और आप इस सिचुएशन में हैं कि अभी आप मेकअप कर रहे हैं, आपके 2-2 सेमेस्टर एक साथ चल रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं, कैसे ऑर्डर पास करते हैं। वो जो स्टूडेंट वहां पढ़ने के लिए आए हुए हैं, सारे इंडिया से दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आता है, मुखर्जी नगर और यहाँ और वहां आउट रैम लाइन्स पे वो कमरे ले लेके किराए पे वो रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, किस हालत में स्टूडेंट्स आके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। आपने एक ऑर्डर दे दिया कि 35 कॉलेजों में तो टीचर की रिक्रूटमेंट ही नहीं हो सकती, और जिनकी हो चुकी है वो भी इलीगल है। मुझे समझ ही नहीं आता कि हमारा जो शासक है वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, और मतलब कभी वो सोचते भी है कि जो स्टूडेंट्स है उनका क्या हाल हो रहा है? एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी किसी को पता है? आप, मेरे तो इतने स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जिनसे कम से कम दिन में एक बार 2-3 से तो मेरी बात होती ही रहती है। वो कई तो ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र हो गई अभी तक एडहॉक बैठे हैं, उनके 2-2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, आधी जिंदगी गुजर गई, अभी तक एडहॉक में बैठे हैं। और अब आप उनको ये भी कह दीजिए, कहा तो इनको बड़े रोजी पिक्चर दिखाए थे कि अब नया वाइस चांसलर आएगा तो सारी अपॉइंटमेंट्स कर देगा। हम लोग रेक को लिख लिख के थक गए, एक एक कॉलेज के लिए वो बेचारे 20-20 कॉलेज में अप्लाई करते हैं, तो हर एक के लिए हम रिकमेंडेशन लेटर उनको भेजते हैं। तो बुरा हाल है, मैं आपको बता नहीं सकती कि सिचुएशन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्या है। और मैं इस पे आना चाह रही थी कि ये जो नया हम पे इम्पोज किया है SUET, सेंट्रल अंडरग्रेजुएट एजुकेशन टेस्ट, जिसकी अभी 1 महीना पहले जो हुआ है, मतलब इससे जो है, और मैंने ये चेक करा है अपने स्टूडेंट से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो डेली टच में है, कि पनप गए हैं वहां पे कोचिंग सेंटर SUET के लिए। ऑलरेडी पैसे जो है उनको गाइडेंस करने के लिए कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या एग्जाम, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। आप अगर कॉलेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के टीचर के पास भी चले जाओ, उसको बोलो जी
वो मेरा भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, मासी हो सकती है, कि मुझे प्लीज गाइड कर दो कि मैंने स्वेट के लिए बैठे। वो कहता है जी मुझे कुछ पता ही नहीं है। किसको पता है? वो सिर्फ कोचिंग सेंटर वाले, उन्होंने रिसर्च अपनी करी है कि हाँ फॉर्म कैसे भरना है, बच्चों से फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर उनको बता, तीन तीन डोमेन में एक्सपर्टीज में आपको बैठना है, कौन से में बैठता है, कौन से डोमेन आपके इस स्पेशलाइजेशन के फिट करेगा। पता नहीं जगदेश कुमार जी को भी ये सब पता है कि नहीं, कौन से ब्यूरोक्रेट ने वो प्रोग्राम बनाया और किसने इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब इतनी उदासीनता स्टूडेंट्स के और एजुकेशन की तरफ इस देश में जो हमारी एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स है, शॉकिंग। मतलब मैं, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर इस वक्त जरा सी भी हम लोगों में कुछ भी सिंपथी होती, एम्पथी होती, कंसर्न होता अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, किसी भी चीज के लिए, जरा सी भी नेशनलिज्म हमें होती, इस वक्त हम एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके ये कहते कि हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें। ये क्राइसिस है हमारे सामने। बात हम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, हम कुतुब मीनार को खुदवा रहे हैं, हम ज्ञानवापी में ये मिला के नहीं, वो मिला के नहीं, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, हर एक इंस्टीट्यूशन को हमने लपेट के रख दिया ये सारे झगड़ों में। बच्चे हमारे, खासकर गरीब बच्चे जो है, उनके लिए कुछ नहीं है। वो सारे एग्री, हमको सबको पता है, जो बच्चा स्कूल में नहीं होता वो कहाँ होता है? वो घर में नहीं बैठता, वो एग्रीकल्चर लेबर का काम करता है। पता है आप, ये इतने सालों से लड़ लड़ के राइट टू एजुकेशन वालों ने हमें सिखाया है कि अ चाइल्ड हु इज आउट ऑफ स्कूल इज चाइल्ड लेबर, दैट्स हाउ यू काउंट चाइल्ड लेबर। आपकी गिनती इस तरह से आपको करनी है। तो जितने बच्चे ये स्कूल से निकल के जा रहे हैं, अभी आपने आंकड़े बताए, ये ड्रॉप आउट्स हुए, ये कहाँ जा रहे हैं? ये आपके लेबर फोर्स में जा रहे हैं। इनका नतीजा क्या होगा? दे विल ब्रिंग डाउन एडल्ट वेजेस इवन मोर। वो जो वहां लैंडलॉर्ड है या जो भी है जो उनको हायर कर रहा है, या फैक्ट्री ओनर जो भी हायर कर रहा है, हर एक की वेजेस उनकी भी गिरेंगी या बढ़ेंगी नहीं, जो भी है, पूरा एक इकोनॉमी पे इसका असर होता है। और वो सारे गेन्स जो है पिछले 10-15 साल के आरटीई मूवमेंट के, एजुकेशन के एक्सपेंशन के, आप खो देंगे बिल्कुल। तो ये एक शॉकिंग, मुझे लगता है इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, और उसको हम और बिगाड़ दे रहे हैं स्वेट जैसी चीजें लाके। कोई ऑटोनॉमी, क्या बात कर रहे हैं आपके टीचर्स कि आप टीचर रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए शुरू में वोरा जी ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था जो टीचिंग लर्निंग का सारा प्रोसेस है ना, वो फेथ और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पे चलता है। आप उसको बिल्कुल ब्यूरोक्रेटाइज कर दीजिएगा, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आप कितने नेट इम्पोज कर लीजिए कि क्वालिटी बन जाएगी, आप कितने एग्जाम कर लीजिए, आपका उससे कुछ नहीं होने का। जो रिफॉर्म आपको चाहिए, टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो, टीचर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उनके उनकी जो आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कि टीचर जो है वो स्टूडेंट में इंटरेस्टेड है। अगर आपका टीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप डंडे मार लीजिए, इंसेंटिव दे दीजिए, नेट करवा लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन टेक अ हॉर्स टू वॉटर, कैन मेक इट ड्रिंक। यू कैन टेक अ टीचर इन टू द क्लासरूम, कैन यू मेक देम टीच वेल? आप उनको एक घंटा खड़ा कर दे सकते हैं ना, वो आधा घंटा खड़ा कर दे सकते हैं, बोर्ड पे वो लिखते रहेंगे, कुछ भी पढ़ा देंगे, आप क्या करेंगे? सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे हर जगह, चेकिंग करेंगे कि कौन अंदर जाके क्या पढ़ा रहा है? ऐसे नहीं होता है। आप जो भी सिस्टम आप लाते हैं, वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की तरफ सारा जा रहा है। आप ऑल इंडिया टेस्ट बना रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये ऑल इंडिया टेस्ट इम्पोज कर दिए जी, कोई ऑटोनॉमी नहीं छोड़ी आपने। कल को आप हमें कहेंगे कि आपके स्टूडेंट कैसे निकलते, स्टूडेंट चूज करने में तो हमारा कोई रोल ही नहीं छोड़ा आपने। हम एंट्रेंस टेस्ट भी कटा। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले घर गया था अपने बिहार में, मैंने देखा कि मेरे चाचा ने टीचर से इंट्रोड्यूस करवाया जो बच्चों को पढ़ाने आते थे। हाँ। और बताया कि ये बीटेक है और वो बच्चों को पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। मैंने खुद वहां बैठ करके देखा, वो पढ़ा नहीं रहे थे, वो खुद ही पढ़ के 45 मिनट टाइम इन्वेस्ट करके जा रहे थे, उनका बच्चों पर कोई फोकस नहीं था, वो खुद ही पढ़ रहे थे बैठ के। अरे आप गांव की बात, आप गांव की बात, लेकिन उनकी जीरो थी। इसलिए मैंने कहा कि टीचर रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या है और किस प्रकार से टीचर रिक्रूट किए जा रहे हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। 76% बच्चों को बेसिक साइंस नहीं आ रही है 10th क्लास में, ये स्थिति है। लैंग्वेज के मामले में वो जीरो है,
क्लास थ्री और क्लास फाइव की बात करें तो मैथमेटिक्स उनकी जीरो है, और ये कोरोना काल के बाद की परिस्थितियां नहीं है, 17 वाले सर्वे में भी कमोबेश यही स्थिति थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अगर कुछ थोड़ा अलग तरीके से भी, मतलब जहां से साउंड्स आते हैं हमें आता है, वार्निंग आती है, इंडस्ट्री जो है उन्होंने आपको बहुत दिन पहले कहा था कि जो आपके इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल। उसका क्या मतलब है कि उनको बेसिक्स इंजीनियरिंग की नहीं आती है, ठीक है, कम से कम 25% प्रोडक्ट है वो अनएम्प्लॉयबल है। आपको मालूम है साउथ इंडिया में, तो मैं पर्सनली ऐसे इंस्टीट्यूशन के जो चलाते हैं उनसे मिली हूँ, मुझे नॉर्थ में इतना नहीं मालूम है, वो भी होंगे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं हैदराबाद में, जैसे जो प्रोडक्ट निकलता है इंजीनियरिंग कॉलेज से एक साल उसको पढ़ाई कराई जाती है टू मेक हिम रेडी फॉर जॉब उसके, और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, पढ़े लिखे लोग उनको चलाते हैं, कहते इसके बगैर ये जा ही नहीं, इंटरव्यू ही नहीं दे सकता। तो एक बीच में ब्रिज कोर्स चलता है, आप डिग्री बीटेक की ले ली, उसके बाद फिर आप कोचिंग टाइप ही है करिए, उसके बाद आप नौकरी करिए। अम्मी आप देखिए आपके सामने ये सब है पर आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई चीज पे रिएक्शन ही नहीं होता, शर्म ही नहीं आती ना, तो क्या हो रहा है? आप देख ही रहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे दहाके अब बंद होते जा रहे हैं, नेचुरली उसके प्रोडक्ट को आगे नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी कोई वैल्यू जब मार्केट में नहीं होगी तो थोड़े दिन बाद मार्केट को तो पता चल जाता है क्या है, जब मार्केट आपको रिजेक्ट कर दे रही है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट है वहां लोग भी जाना बंद कर देंगे क्योंकि आपको वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। कुछ इकोनॉमी भी बदलती है, आईटी की तरफ सारा चला गया है, वो भी बात है, पर फिर भी इंडस्ट्री जो है मिनिमम कैपेसिटी तो लेगी ना आपसे, आप अनएम्प्लॉयबल है तो आपको एम्प्लॉय नहीं करेगी। आप वहां से शुरू करिए एनालाइज करना और रिसर्च करना, 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला के पूछ लीजिए, आपको एक दिन में पता चल जाएगा कि क्या हमारी एजुकेशन का हाल है। आप प्राइवेट जो स्कूल चलाते हैं उनको बुला के पूछ लीजिए कि जो टीचर वो एम्प्लॉय करते हैं उनका क्या हाल है, तो पता चल जाएगा आपको। कोई स्टेट बनेगा ना, कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, जैसे आजकल कहते हैं रॉकेट साइंस भी नहीं है, है बहुत सिंपल सी बातें हैं, पर सोल्यूशन अगर हम चाहें तभी तो ढूंढेंगे ना, हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, हम और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती ये सुएट और इसका जो पीजुएट या जो भी निकला है एम ए लेवल पे, हम इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू, एक ही चीज होने वाली है, ये जो आपके छोटे शहरों से आपके गरीब तबके के आपके गवर्नमेंट स्कूलों से जो बच्चे आ रहे हैं, नॉन सीबीएसई से, इवन आईएससी से जो बच्चे आ रहे हैं, वो सारे जो है यहाँ पे डिसएडवांटेज पे हैं, क्योंकि इनका सिलेबस सीबीएसई पे बना है, और सीबीएसई वाले जो स्कूल्स हैं हमें पता है कि दिल्ली में जैसे कई गवर्नमेंट स्कूल भी सीबीएसई फॉलो करते हैं, पर ज्यादातर इस देश में जो है सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल है कुछ वो सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करते हैं जी। और उनकी कैपेसिटी होगी, तीन तीन सब्जेक्ट्स में आपको टेस्ट देना है, आपको मालूम है मिनिमम जी। किसी ने उसके, मैं तो जिस दिन मैंने पढ़ा शुरू में ही उसका थोड़ा बहुत डिटेल भी मैंने पब्लिकली उसके उसके ऊपर कई जगह बोला कि ये डिजास्टर है हमारे लिए ये सुएट, सिर्फ तमिलनाडु ने हिम्मत करके इसको राउंडली क्रिटिसाइज कहा और ये गलत। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि दूसरे स्टेट्स प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में बनी है वहां पे अगर तेलंगाना का बच्चा नहीं जा सकेगा तो वो काय के लिए बनी है वहां, आंध्र का बच्चा नहीं जा सकेगा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली के बच्चों के लिए तो नहीं बनी ना, सिर्फ एलीट स्कूल के बच्चे अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाए हर जगह, एक ऑल इंडिया आप वो फिर सिस्टम एलीट का बना दीजिए, सेंट्रल स्कूल सैनिक स्कूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाकी लोगों का क्या होगा इस देश में जो है वो कहाँ जाएंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी तक में आपने यही कर दिया, आपको पता है यूपी बिहार में हर जगह ये कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गए हैं अब, और वहां तो कम है, वो दिल्ली में बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं,